नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज आप जानने वाले हो कैसे आप बहुत आसानी से कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर सकते हो। इस वीडियो को आपने अगर लास्ट तक देख लिया तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आप किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे कि ये लक्षण कोरोना के हैं या किसी और अदर डिजीज़ के हैं या किसी और इन्फेक्शन के हैं। कोरोना के लक्षण को पहचाना बेहद आसान है, हम में से कुछ लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं, इस वजह से हॉस्पिटल्स में भीड़ ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक रिपोर्ट की माने तो ये कहती है इंडिया में जो पेंडेमिक चला है, इंडिया में जो कोरोना के केसेस है उनमें से 20% केसेस सिर्फ साइकोलॉजी रिलेटेड है, मतलब कि अगर उनको फ्लू भी हुआ, खांसी भी हुई, जुकाम बुखार कुछ भी हुआ तो उसको कोरोना समझ लेते हैं और वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको पता कैसे चले कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं जुकाम के, खांसी के, ये कोरोना के हैं या किसी और अदर इन्फेक्शन के हैं। ठीक है, तो जो लक्षण कोरोना से मिलते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। अगर आपको खांसी है, सूखी खांसी जिसमें किसी भी तरह की खरखर या घरघर की आवाज़ नहीं आती, तो ये पोल्यूशन वाली खांसी है जो आपके एनवायरमेंटली होती है। अगर आपको खांसी के साथ बलगम आता है और हल्का फीवर है तो ये एलर्जिक कफ है। ये दोनों ही लक्षण कोरोना में नहीं होते, इनको कोरोना समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अगर आपको खांसी है, बलगम भी है और बुखार भी है और नाक से भी पानी आता है तो ये आपको फ्लू हो सकता है। ये लक्षण भी कोरोना से मिलते जुलते हैं, बट इसका मतलब यह नहीं है कि इन लक्षणों वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हो या कोरोना से संक्रमित हो। अब बात आती है कि एक्चुअल में जुकाम हो गई, बुखार हो गया, खांसी हो गई, तो कोरोना की पहचान करें कैसे कि इस व्यक्ति में कोरोना है या नहीं है, हम इसका पता कैसे लगा। बेहद आसान है। अगर किसी व्यक्ति को खांसी है, सूखी खांसी, फीवर है, हाई टेम्परेचर, नाक से पानी भी आ रहा है, सिर दर्द भी हो रहा है, जोड़ों में दर्द भी हो रहा है, अगर उसको सूंघने में कुछ महसूस नहीं हो रहा, उसको चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी सी महसूस हो रही है और उसकी सांसें बढ़ रही है, तो विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोरोना हो सकता है। हम इसको कोरोना डिक्लेयर नहीं कर सकते अनटिल आरटीपीसीआई की रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो अगर किसी व्यक्ति को खांसी भी है, बुखार भी है, जुकाम भी है, सिर दर्द भी है, घुटनों में दर्द भी है और सांस लेने में भी दिक्कत है, तो ऐसे हालात में डॉक्टरों ने कुछ मेडिसिन बताई है कि इन सारे लक्षणों को कोरोना समझने से पहले आप एक बार इन टैबलेट्स को यूज करके देख ले, हो सकता है ये लक्षण आपके चले जाए। अगर इन ट्रीटमेंट के बाद भी अगर लक्षण आपके बने रहते हैं देन फिर आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अब इन कोरोना जैसे लक्षणों से लड़ने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट हमें चाहिए, इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया था, आप इस वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी टैबलेट्स इसमें रिकमेंड की है। आपकी सुविधा के लिए मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो कि अगर आपको कोरोना जैसे लक्षण आते हैं तो आपको कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए। तो दोस्तों सतर्क रहिए, समझदार रहिए, कोरोना से अवेयर रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।